विकास खंड अगस्त्य मयूनी के कोठगी में लंबे समय से नर्सिंग कॉलेज की स्वीकृति के लिए प्रयास किए जा रहे थे। सरकार की ओर से 20 करोड़ 44 लाख के प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए प्रदान की गई है, जिससे जनपद वासियों ने खुशी जताते हुए सरकार और स्थानीय विधायक भरत सिंह चौधरी का धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि पिछले 2 वर्षों से कोठगी में नर्सिंग कॉलेज की स्वीकृति को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे थे। अब जल्द ही कोठगी में भूमि पूजन के साथ शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारी होगी। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेकी की रिपोर्ट। जो ये बहुत पुरानी मांग थी कोठगी में नर्सिंग कॉलेज को लेकर के, आज वो पूरी हुई है और बहुत जल्दी उसमें टेंडर की प्रक्रिया होगी। ब्रिड कुल को उसमें कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। नर्सिंग कॉलेज स्वीकृत हुआ है, इसके लिए हमें विधायक जी व राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जो प्रदान की गई, उनके लिए हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। अभी हम मौजूद हैं जनपद रुद्रप्रयाग के कोठगी सेम तोक में, जहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशी जनपद रुद्रप्रयाग को मिली है कि नर्सिंग कॉलेज के रूप में, जिसके लिए स्थानीय लोगों ने स्थानीय विधायक भरत सिंह चौधरी और राज्य सरकार का बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मुराद पूरी हुई है इस क्षेत्र के लोगों की, क्योंकि काफ़ी वर्षों से यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज की कवायद शुरू की गई थी, लेकिन किसी भी कारण से वहाँ पे स्वीकृति मिलने में देरी होने से जनता में आक्रोश भी था, लेकिन आज लोग खुश हैं कि यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज की स्वीकृति मिल गई है। अभी बीते 3 दिन पहले राज्य सरकार के द्वारा एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें 20 करोड़ 44 लाख की धनराशि यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज के लिए स्वीकृत की गई है, जिसमें स्थानीय विधायक भरत चौधरी जी का बहुत अथक प्रयास था कि इस जहाँ पे 150 नाली से ऊपर जमीन जो है सदियों से बंजर थी और इस भूमि का नर्सिंग कॉलेज के रूप में उपयोग किया जाएगा और यहाँ के स्थानीय युवाओं को लेकर और राज्य के युवाओं को यहाँ पर ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। मैं सत्यपाल सिंह नेगी, MKN न्यूज़, कोठगी, रुद्रप्रयाग।